की बाबा तारी चौकट पे दाता तारी चौकट पे बाबा तारी चौकट पे आयो हूँ म्यार के बस लायक बना लो मन थारे दरबार के लायक बना लो मन थारे क्योंकि अगर इसने लायक बनाया तो पूरी दुनिया नालायक कहेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या कर लेगी दुनिया इसकी नजरों में लायक बन जाओ कुछ नहीं कर सकती दुनिया जब से इसकी शरण में है 1994 से 2023 27 साल में आज तक किसी दुनिया वाले की ताकत नहीं है कि इसके रहते हुए किसी को कुछ भक्त को कुछ श्याम के भक्त को कुछ कह दे ये वो चीज है लेकिन लायक बनना जरूरी है इसके लिए लायक बनो बस कुछ मत करो दिंगस से जब खाटू आते हो तो सोच कर जाओ बाबा हम आज से ये प्रण लेते हैं कि जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हम किसी एक भी आदमी के मुख पर दुखियारे के अगर आपने हंसी ला दी तो समझो आप इसके लायक हो तब बनोगे लायक ऐसे नहीं कुर्ते पजामे पहन के सत्संग में आ गए सामने भूखा जा रहा है या कोई दुखी जा रहा है और उसके तरफ मुंह मोड़ कर आप चल दिए कैसे लायक बने घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनको ताला लगाकर आप बाहर कहीं घूमने जाते हो नहीं बनाएगा लायक लायक बनना है तो इसके लिए ऐसे काम करो कि लायक समझे मत आओ खाटू में मैं लिखित में देता हूँ आप याद करना एक साल मत आना अगर लेकिन एक साल अपने माँ बाप के चरण चुकर उनके एक दिन भी आपने पूजा करी ये समझो आपके घर आपके पास आएगा ये आता है ये अब ऐसे काम से ही आता है नहीं आता छप्पन भोग लगाने से दरबार लगाने से दिखावा करने से नहीं आता ये पूरी दुनिया को देने वाले को क्या भोग लगाओगे आप क्या छप्पन भोग जिमाओगे नहीं जिमा सकते जिमाना है तो अपने मोटे माँ बाप को इज्जत दो संस्कार दो अच्छे बच्चे बच्चों को संस्कार दो तब ये लायक बनाए तो आज बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा हमें केवल दुनिया में ये ताकत है कि हम ऐसा काम करें कि तेरे लायक बन सके कि बाबा तारी चौकट पे दाता तारी चौकट पे आयो मैं हार के बस लायक बना लियो मन थारे दरबार के दोनों हाथ उठाकर बोलो लायक आज ईमानदारी से प्रार्थना करना अगर किसी के मन में पाप हो यहाँ से निकलते फिर वही दुनियादारी में फंसे वही गलत काम करे मत बोलना इसको क्योंकि आप जब तक आपके मन से नहीं बोलोगे नहीं बनाएगा लायक बना लो जो जो लायक बनना चाहते हैं एक बार दोनों हाथ से देख साथ 1 2 चौकट पे दादा तारी चौकट पे आयो हूँ मैं हार के बाबा तारी चौकट पे आयो हूँ हार के लायक बना लो मन थारे दरबार के लायक बना लो मन थारे दरबार के दोनों हाथ उठा कर अरे लायक बना लो अरे दरबार के लायक बना लो अरे दरबार लायक बना लो बाबा थारे क्योंकि बाबा हारियो डाका साथी थाने
दुनिया बतावे देख लियो दीन काजी राज मारी जावे बाबा हाथ पतार के लायक बनायो माने हारे दरबार के इसके लायक बनाने की कीमत हम जानते हैं इसके लायक बनाने की कीमत हम मानते हैं 28 या कितने सालों से जो भी शाम प्रेमी ईमानदारी से इसके लायक है याद कर देखना सपने में भी अगर कोई सच्चा प्रेमी है मेरे ठाकुर ने कसम मेरे बाबा की आज तक उसके प्रेमी को अगर वो सच्चा है तो कभी उसको ऐसे नहीं करने दिया दुनिया के नहीं करने दिया कभी इसलिए बस लायक बन जाओ फिर बाकी सारा काम इसका है लेकिन बनना पड़ेगा लायक क्योंकि लायक इसलिए बनना क्योंकि सुख में तो जगियो सारो साथ ही निभावे पर दुखड़े में बाबा नीर नहीं आवे तो यह जग सारा साथ निभावे पर दुखड़े में काम ना आवे ये दुनिया बाबा बहुत खराब है बहुत कठिन है इस दुनिया में जीना अगर तू नहीं होता तो कम से कम 10 साल पहले हम चल चुके होते लेकिन एक तेरा सहारा है इसलिए मन में आस है इस दुनिया वालों में जो सबसे करीब बैठते हैं आपके पड़ोस में याद रखना उनके दरवाजे सबसे पहले बंद होते हैं सुख में तो जगियो सारो साथ ही निभावे पर दुखड़े में बाबा नीर नहीं आवे पर दुखड़े के तो नाच लगा रिंदा लायक बना दे तारे दरबार के लायक बना लो बाबा ओ लायक बना तारे दरबार ऐसे नहीं एक एक शाम प्रेमी ईमानदारी से 11 वाली ताली बजा कर लायक बना लो ओ तू तो सब जाने है तेरे से के छानी रे तू तो सब जाने है तेरे से के छानी रे शरणी पड़ो की तेरे कानी रे शरण पड़ो हूँ बाबा एक मारे कानी लायक बना लो माने थारे थारे क्योंकि बाबा अगर आपने लायक नहीं बनाया तो क्या होगा लेकिन लायक बना तो क्या होगा सुनो क्योंकि थारो साथ पाके में भी जीनो सीख जाऊंगा थे भी ठुकरा दियो तो मैं जी नहीं पाऊंगा थारो साथ पाके में भी जीनो सीख जाऊंगा
कर क्या काली जी लगा ली अब तू काली जी लगा ली अब तू अब गुण विसार के लायक हरे दरबार के काली जी लगा ले अब तू अब गुण क्योंकि बाबा हम गुणों की कान नहीं हम अवगुणों की कान एक कर्म भी ऐसा नहीं कि तेरे लायक बने लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर ऐसी ऐसी राज रखता है ऐसी ऐसी बात रखता कि हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये वो चीज है मैं क्या बोलूं कुछ नहीं बोल सकता मेरी औकात भी नहीं है इसके लिए मैं बोलूं श्याम सखा संस्थान परिवार आज जितना भी बड़ा परिवार बना श्याम शक्ति मंडल कोटपुतली की वजह से इनके आशीर्वाद से बना इनके संरक्षक आदरणीय रमेश जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो लायक बना लो बाबा लायक बना लो बाबा हरे दरबार सुन सांवरे ईमानदारी से अगर ना तो दोनों हाथ उठाकर बोल मेरे तेरे ही भरोसे मेरी नावरे सुन सांवरे सुन सांवरे हारे का सहारा तेरा नाम रे सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नावरे थक से गए तेरे ओ थक से गए तेरे राजू के पांव रे सुन सांव रे तेरे ही भरोसे मेरी ना और अगर कोई भटका हुआ है तो आज बाबा से प्रार्थना करो दोनों हाथों रखकर क्या भटके गया हूं बाबा तुझको पुकारे तेरा किस्मत कमारा तुझको पुकारे तेरा जिस जिसकी किस्मत में कुछ कमी हो दोनों हाथ उठाकर अपनी रेखा दिखाओ मेरे ठाकुर को जोरदार ताली बजाकर ओ भटके गया हूँ बाबा सूझे ना किनारा भटके गया हूँ बाबा सूझे ना तुझको पुकारे दानी किस्मत कमारा तुझको पुकारे दाना किस्मत कमारा इन पे कराए दानी सब पे कराए दानी करुणा की छाव रे सुन सांवरे तेरे भरोसे मेरी नाव रे सुन सांवरे तेरे भरोसे मेरी नाव रे एक प्रार्थना सभी श्याम प्रेमी मिलकर करेंगे दोनों हाथों तक खाटू के तू राजा आजा सबको संभाल रे खाटू के तू राजा आजा सबको संभाल रे हकीकत मानना आप मानो या ना मानो उसकी तरफ देखो एक बार जो जिस जिस जिसके पास अपनी आंखें उसकी तरफ देखो हकीकत मानना आज मेरे ठाकुर की आंखों से वो आंसू बह रहे कि भक्त के लिए वो भी खड़े होकर इन भक्तों के प्यार के लिए वो भी खुद आंखों में आंसू लिए बैठे तो आज प्रार्थना करो क्या दीन के दयाल आजा सबको संभाल रे दीन के दयाल आजा मुझको संभाल रे बीच भंवर से मेरी कश्ती को निकाल रे बीच भंवर से सबकी कश्ती को निकाल रे अब एक प्रॉब्लम हो रही सबसे बड़ी मेरे बाबा के लिए बाबा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन समस्या भक्त खुद पैदा कर रहा है कीर्तन में हो आप लेकिन मर्यादा नहीं है पान मैं क्या बोलूं कुछ नहीं लेकिन फिर भी
कीर्तन में मेरे ठाकुर से आज ये प्रार्थना करो बाबा, चाहे एक मिनट के लिए बैठना, लेकिन बैठना बड़े मन से। खुद भक्त एक दो तीन चार पाँच छह दस हजार एक लाख गलती करने के बाद, जब एक लाख एक हजार गलती होती तो मजबूर होने से अपने भक्त को कुछ कष्ट देना नहीं, कभी कष्ट नहीं देना। लेकिन खुद आप कुआं खोदो फिर बाबा को बोलो, इसलिए क्या हारे के सहारे आजा सबको संभाल रे, हारे के सहारे आजा सबको संभाल रे, बीच भंवर से मेरी कश्ती को निकाल रे, बीच भंवर में मेरी कश्ती को, क्योंकि बाबा हर से नहीं तो ताना हो, हर से नहीं तो ताना देगा सारा गांव रे। और क्या कहेंगे लोग, कहेंगे मुझे वो ता तेरा खाटू वाला श्याम रे, कुछ नहीं कहेंगे लोग, ये कहेंगे वो बाबा श्याम की बर्थडे का साथ, देखो आज क्या हालत हुई, क्या उसकी हालत हुई। मत करो ऐसा काम कि मेरे सेठ के ऊपर दोष लगे, करो गलती आप सेठ की सजा दोष इसको मिले, ऐसा काम मत करो। काम खुद करते हो ऐसा काम, लेकिन मेरे बाबा को दोष सहन करना पड़ता। इसलिए आज प्रयत्न करो, मैंने फिर एक बार हाथ जोड़ के करता हूँ, शाम सका संतान परिवार में आने का मतलब है कि आप दिन में 24 घंटे में एक ऐसा काम करो जिससे मेरे ठाकुर के मुख पर हंसी आए और मेरे भक्तों के स्वरूप 24 घंटे उनके लिए दरवाजे पर खड़ा रहे। हर से नहीं तो ताना देगा सारा गांव रे, लोग कहेंगे मुझे वो ता तेरा खाटू वाला श्याम रे, सुन श्याम रे हरे का सहारा। आज ये शाम सका संस्थान परिवार, जिस संस्था के संरक्षक भले ही हमारे बीच नहीं हो लेकिन हमारे बीच हैं, मैं हर कीर्तन में कहता हूँ नहीं है वो शब्द बाद में लेकिन हैं, आदरणीय रघुनंदन जी मित्तल ठप्पा जी जो इस संस्था परिवार के संरक्षक थे, मुख्य संरक्षक थे, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाई, क्योंकि ये सारा परिवार आज उनकी देन है, उनकी वजह से आज हम फल रहे फूल रहे। बोलिए सच्चे दरबार की, आइए दो लाइन। बाबा जब बीज जिसने, बाबा जब बीज जिसने तेरा नाम पुकार, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा। किस किस के जीवन को मेरे ठाकुर ने संवारा, दोनों हाथ उठाकर एक साथ 1 2। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा, ऐसे ही मेरे ठाकुर का नाम दोनों हाथ लग रखा। ओ बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है, बाबा बीज से दे तेरा नाम पुकारा है, बाबा बीज से दे।
बहुत बढ़िया। आकाश भी आने लगा है, जोरदार ताली बजेगी उनके लिए। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। के किस्ती मेरी लगा दो, किस्ती मेरी लगा दो उस पार। हो कन्हैया शरण में तेरी, संसार के। और बाबा क्या बाबा, मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आन कर लीजिए, प्रभु सुध। अगर सच में प्रभु चाहते कि प्रभु आपकी सुन ले, एक बार सीधे हाथ, एक बार सीधे दोनों हाथ। मेरी अरदास सुन लीजिए, प्रभु सुध आन कर लीजिए, प्रभु सुध आन कर लीजिए। और ठाकुर तरस एक बार तो दीजिए, मैं समझूंगा श्याम तुमरी ये, मैं समझूंगा। और बाबा पतवार तो मिलो तुम, पतवार दाम लो तुम, मजदार में नैया। मैं शरण तेरी। आइए एक अंतिम रचना, अंतिम नहीं। सुबह क्योंकि मैं दिन भर 1000 झूठ बोलता हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि मुझे झूठ की बिना नहीं। लेकिन यकीन मानना, आज तक जीवन में मुझे गवाही, मैं नहीं कह सकता कभी गलती हुई हो, लेकिन आज तक मैंने मेरे बाबा के काम में एक नाखून के बराबर भी झूठ नहीं बोली, कभी नहीं बोली आज तक। मैं सोचता हूं कभी मेरे हाथ से मेरे ठाकुर के काम में ऐसी कोई कमी नहीं रह जाए, ऐसा कोई गलत काम नहीं हो जाए कि मेरी जिंदगी का सारा पर्दाफाश दुनिया को बोलना पड़े। मैं हर पल हर क्षण कोशिश करता हूँ कि बाबा मेरे धंधे में मैं कुछ भी करूँ, लेकिन तेरे काम में कभी राजनीति नहीं करूँ, ये मेरी ठाकुर दयालुता है। और मैं कभी नहीं करता, आज तक नहीं करी मैंने, याद नहीं कभी निकल गया हूं, लेकिन कभी नहीं करी। और सुबह जब उठता हूँ तो रात को सोता हूँ, ठीक 24 घंटे में हमेशा बाबा से कहता हूँ, क्या हकीकत है ये, क्या तेरी यादों का मनमोहन ये दिल में उमड़ा है सावन, ये दिल में उमड़ा है सावन, ये दिल में उमड़ा है सावन, बुझेगी प्यास, बुझेगी प्यास इस दिल की, सुनूंगा जिस दिन तेरा आवन, सुनूंगा जिस दिन तेरा आवन। और बाबा कुछ नहीं करना, क्या करना, क्या कि पावन पतित को करना, हो को करना जगदीश के कन्हैया। तो जो शरण में दोनों हाथ पकड़, एक बार बाबा के लिए जोरदार ताली बजाकर, क्या मैं शरण में तेरी। इसकी शरण में आने के बाद एक बात इसे बोल सकते हो, हमेशा बाप बेटे को बोलता है, लेकिन बाप एक बेटा बाप को क्या बोलता है जब इसकी शरण में हो, क्या बोलोगे, क्या ओ कहियां बैठा हो, कहियां बैठा हो चुपचाप, बाबा थे मारा माँ बाप, कहियां बैठा हो चुपचाप, बाबा थे मारा माई बाप, था पर लागियां की छाप, थारे भरोसा में सांवरा हो।
भरोसा में तो सांवरा क्योंकि बाबा थारा हाथ में मारी जीवन डोर है थारा हाथ में मारी जीवन डोर है कि जिसके जीवन की डोर मेरे बाबा के हाथ में दोनों हाथ लग रखते हैं थारा हाथ में मारी जीवन डोर है थारा हाथ में मारी जीवन डोर है और दीदी सबसे बड़ी खास बात क्या थारे आगे ही चले मारो जोर है थारे आगे ही चले मारो जोर है हकीकत ये मात है। अच्छा एक, एक एक काम करके जाना आज इनके पास दुखे कल इन्होंने मुझे बोला तो मैं कुछ नहीं करूंगा केवल चकमे दूंगा भाई साहब कल बताऊंगा परसों बताऊंगा नर्सों बताऊंगा आज नहीं मेरे पास कुछ भी है आपके पास सब कुछ है लेकिन हर आदमी आपको ये कहेगा बताता हूँ लेकिन ये मालिक कभी बोला ऐसे जब जब भी दुख हुआ दौड़ कर आ गए दरबार पे घर नहीं पहुंचे उसके पहले दुख मैंने बोला लेकिन लायक बना लो माने बस लायक बन जाओ फिर इसके होते जिस दिन इसने लायक बनाया समझो दुख आएगा ही तो क्या होता रहा था में मारी जीवन डोर है मारी जीवन डोर है तारे आगे ही चले मारो जोर है थारे आगे ही चले मारो जोर क्योंकि बाबा मन थारो ही आदार मैं तो था पर दमदार मन थारो ही आदार मैं तो था पर दमदार मारो सारो परिवार दोनों हाथ उठा के बोलो जो शाम परिवार के सदस्य हैं दोनों हाथ उठा कर बोलेंगे क्या अरे थारे भरोसा सारे क्योंकि बाबा अब तो बुढ़ापे की उम्र है अब किसको कहेंगे बताओ जाकर मेरा काम कर दे जब से होश संभाला तब तो आपके चक्कर में पड़ गए अब कोई नहीं करेगा काम इसलिए बोलना क्या ओ सारो जीवन बितायो थारे आंगने सारो जीवन बितायो थारे आंगने अब कुण के घर में जावा मांगने अब कुण के घर में जावा मांगने हकीकत ये बात दोनों सारो जीवन बितायो थारे आंगने सारो जीवन बितायो थारे आंगने अब कुण के घर में जाऊं मांगने अब कुण के घर में जाऊं मांगने ओ दूजो कुण देसी माने ताना देसी हो माने दूजो कुण देसी माने ताना देसी हो माने मोको दुनिया ने थाने देवो न बाबा मारा सामराओ थारे भरोसा जब जब भी ऐसे बोलते हैं कि बाबा थारे भरोसा लगता है हकीकत में कोई नहीं जीवन का मुझे ध्यान नहीं लेकिन मैंने जब से जीवन में इसे माना है मेरे जीवन में आज तक दूसरा कभी कोई आया नहीं है और बाबा ये प्रार्थना करता हूं कि जब मेरी अंतिम सांस हो बस केवल मुझे तू और मैं तेरे साथ हूं बस मुझे कुछ नहीं चाहिए बस थारे भरोसे बोलो खाटू नरेश की।